तो दोस्तों, ये गांव पूरा शिल्पकारों से भरपूर है और हम एक घर में आए हैं जहां पे लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं। जहां हम देखने जा रहे हैं वो मूर्तियां की कैसे बनती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम जाने वाले हैं एक ऐसे शिल्पकार के पास जो कि रहते हैं शहर से दूर गांव में, लेकिन उनकी बनाई हुई लकड़ी की जो मूर्तियां रहती हैं वो बड़े बड़े शहरों में बिकती हैं और काफ़ी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं वो। पर आप देख सकते हैं कि अभी हम हैं ऐसी जगह पे जहां पे रोड ख़त्म होती है और यहां से कच्ची रोडें चालू होती हैं। तो ये एरिया है हमारा बाकी डैम का, जो कि अंबिकापुर से 7-8 किलोमीटर दूर का है। और यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो रास्ता है, यहाँ से आपकी पक्की रोड ख़त्म होती है, फिर यहाँ से हम जाएंगे कच्ची रोड से होते हुए सीधे उनके गांव में, जिनका गांव का नाम है शायद गंजा दांड करके है, जहाँ पे वो रहते हैं, रामधनी नाम है उनका। तो आज हम जाने वाले हैं उनके घर में और देखते हैं कि वो कैसी कैसी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं। हम आ चुके हैं रामधनी जी के घर पे, तो चलिए चल के देखते हैं कि वो अभी इस वक्त हैं कि नहीं घर में, और जानते हैं उनसे आगे के बारे में। दोस्तों, ये उनका घर है लेकिन वो अभी इस समय घर में नहीं है और वो बाहर गए हुए हैं। तो हम आपको डिज़ाइन तो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन एक डिज़ाइन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आधी बनी हुई डिज़ाइन रखी हुई है। इसी तरह की कलाकृतियाँ वो बनाते हैं, पर वो है नहीं अभी इस वक्त। तो दोस्तों, ये गांव पूरा शिल्पकारों से भरपूर है और हम एक घर में आए हैं जहां पे लकड़ी की मूर्तियां बनाते हैं। जहां हम देखने जा रहे हैं वो मूर्तियां की कैसे बनती है। तो चलिए चल के देखते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लकड़ी के जड़ से बनाई हुई डिज़ाइन है और काफ़ी अच्छी शिल्पकारी हुई है इसमें। आप देख सकते हैं अभी ये पूरे तरीके से तैयार नहीं है, पर जब ये तैयार हो जाएगी तो काफ़ी सुंदर दिखेगी। और यहाँ पे क्या क्या फेस वगैरह क्या लग रहा है आप बता रहे थे इसमें? ये सब में सारे इंसान बनाए हैं इसको, तो इसमें उसका फेस का जो आँख कान ये सब नहीं बना है। अच्छा, इसमें बनाएंगे और ये इसको सांप बनाए हैं इसको। अच्छा, और ये फिर इसके ऊपर टेबल रखा जाएगा। मगर बनेगा। अच्छा, मतलब अलग अलग टाइप का। हाँ। वो जानवर का फेस बनेगा। इसका प्राइस कितना रहता होगा, कितने में बेचते होंगे आप लोग ये? इसको सर अच्छे से बना के तो पापा ही वो बेचने बेचने के लिए, तो प्राइस वही बता पाए। अच्छा, तो ये अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है दिखने में। और इसके अलावा आप क्या क्या बनाते हैं? और इसके अलावा सर लकड़ी के जैसे कि प्रतिमा वगैरह, छोटी छोटी गणेश जी वगैरह। हाँ। की है ना, और घर में सजाने लायक सामान वगैरह छोटा छोटा। अच्छा, सबको बना के प्रदर्शनी जो सब लगते हैं। अच्छा, तो ये प्रदर्शनी वगैरह में भी लगाई जाती हैं और जो छत्तीसगढ़ के कला को भी एक तरीके से प्रोत्साहित करता है और छत्तीसगढ़ के ट्राइबल एरिया को भी दर्शाता है, वैसी भी मूर्तियां बनती हैं। और जैसे कि आपका मेन पार्ट महोत्सव है, तातापानी महोत्सव, वहां भी ये सब मूर्तियां रखाई जाती हैं ताकि लोग आके दूर दूर से इसे देखें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये लकड़ी से बना बहुत ही सुंदर टेबल जैसा है। इसके ऊपर आप कांच रख सकते हैं। और ये रेस्टोरेंट वगैरह में भी आपने देखा होगा, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में। तो दोस्तों, ये गांव एक तरीके से पूरा शिल्पकारों से भरा हुआ है। यहाँ पे एक से एक कलाकार हैं जो लकड़ी के इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाते हैं। और अभी सब मैनपाट गए हुए हैं जहाँ पे बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं सभी कोई, और वहाँ पर मूर्तियाँ बना रहे हैं और ये ऑर्डर पर भी बनाते हैं। इसके अलावा
इनकी मूर्तियाँ जो होती हैं वो अच्छे अच्छे जगहों पे मेला वगैरह में भी रखी जाती हैं, इसके अलावा म्यूज़ियम में भी रखी जाती हैं जहाँ पे लोग आके देखते हैं, और इनकी प्रदर्शनी भी लगती है लगने के लिए। और ये जो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं वो पुरानी लकड़ियाँ रहती है, किसी प्रकार की पेड़ वगैरह से काट के लोग नहीं बनाते हैं, और ये सिर्फ उन्हीं लकड़ी को यूज़ करते हैं जो कि पुरानी हो चुकी हैं, जिससे ये सारी मूर्तियाँ बनाते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी मूर्तियाँ अधिकतर बनाते हैं, ऑर्डर पे ही सिर्फ बड़ी मूर्तियाँ बनाते हैं, और जो ये मूर्तियाँ उपयोग करते हैं वो उनमें जो लकड़ियाँ रहती हैं वो जलावन लकड़ियाँ रहती हैं, जो कि एक तरीके से बेकार हो चुकी लकड़ियाँ होती हैं, उनका ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, तो ऐसी लकड़ियों का ही सिर्फ ये उपयोग करते हैं। और इसके अलावा ये खेती की किसानी से अपना जीवन यापन करते हैं, और आप इनको सपोर्ट करें, और अगर आपको कभी यहाँ आना हो तो आप ज़रूर आके देख सकते हैं या ऑर्डर दे सकते हैं, तो ये आपको बना के देंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद हुई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं किसी और नई जगह के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा।